हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल में एक गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो जाती है। सीसीटीवी में जघन्य मर्डर की पूरी वारदात कैद होती है। दिखता है कि कैसे पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर तिहाड़ में खूनी खेल देखते रहे। आनन फानन में एक्शन हुआ, 8 कर्मचारी सस्पेंड हुए, 170 से ज्यादा के ट्रांसफर। इसके बावजूद टिल्लू की हत्या से जुड़े कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। एक निजी टीवी न्यूज चैनल ने तिहाड़ के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट सोम प्रकाश त्यागी का स्टिंग ऑपरेशन किया है। कैमरे पर अधिकारी ने ऐसा जताया कि तिहाड़ के भीतर टिल्लू की हत्या के पीछे सोची समझी साजिश थी। बिना जेल प्रशासन की मिली भगत के ऐसा कांड संभव नहीं। त्यागी ने अपने एक साथी के अचानक छुट्टी पर चले जाने पर भी शक जाहिर किया। त्यागी के मुताबिक टिल्लू के मर्डर के बाद जब उन्होंने जेल में लगा इमरजेंसी अलार्म बजाना चाहा तो वो बजा ही नहीं। सवाल यह भी है कि जब सीसीटीवी लगे हैं तो क्या उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। निजी चैनल के अंडरकवर ऑपरेशन में एक बात और सामने आई। जेल नंबर 2 के एक रसोइया ने दावा किया है कि हत्या से 3 दिन पहले भी टिल्लू को मारने की कोशिश हुई थी। किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया था मगर टिल्लू को उसकी भनक लग गई। तिहाड़ के भीतर सामान पहुंचता कैसे है, इस बारे में जेल के वार्डन सुनील ने खुफिया कैमरे पर बताया कि अफसरों की तलाशी नहीं ली जाती, वही सामान भीतर पहुंचाते हैं। तिहाड़ के भीतर कैदियों के अपने गुट हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी जैसे बदमाशों के गैंग हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र बम्बीहा, नीरज भवानिया, टिल्लू ताजपुरिया जैसों के गैंग सक्रिय हैं। सारे गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे, अक्सर झड़प होती रहती है। टिल्लू की हत्या के पीछे भी गैंग वॉर का ही हाथ बताया जाता है। ताजपुरिया को हमलावरों द्वारा 90 से भी ज्यादा बार चाकू मारा गया था। यह हमलावर कथित तौर पर जितेंद्र गोगी गिरोह के सदस्य थे। दिल्ली के बाहरी इलाके ताजपुर कला के रहने वाले ताजपुरिया को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ में रखा गया था, लेकिन फिर भी उसका जेल के अंदर मर्डर कर दिया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।